सरकार अरे सब मालिक बैठे हैं जो आप करोगे। कल जीएसटी को लेकर विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया है। जीएसटी लागू होने से पहले जो ये औपचारिकताएं हैं थोड़ा इनको समझना चाहेंगे। इस सत्र में क्या जीएसटी को लेकर आप क्या प्रस्ताव लाने वाले हैं और क्यों ये जरूरी है? कल हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र विशेष रूप से जो जीएसटी एक्ट है उसकी प्रक्रिया में जहां केंद्र में संसद में जीएसटी का कानून पारित हो चुका है, सब राज्यों को अपनी अपनी विधानसभा में जो अपने राज्य के अंतर्गत जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उस एक्ट को पारित करना है, तो उसके लिए जो विधानसभा का विशेष सत्र हरियाणा राज्य के अंतर्गत जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बिल हम प्रस्तुत करेंगे और कल उसको विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद मुझे विश्वास है कि वो पारित होगा। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है पूरी प्रक्रिया का। जैसा कि आप जानते हो कि जीएसटी देश में 1 जुलाई 2017 से लागू होगा। ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला निर्णय है। केंद्र में और राज्यों में अलग अलग कई टैक्सेस को समावेश करते हुए भारतवर्ष में एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर व्यवस्था के सिद्धांत को लागू करने का काम जीएसटी के माध्यम से होने वाला है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सब राज्यों में एक ही कर प्रणाली के तहत ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया जाएगा, जिसके तहत पूरे देश भर में एक ही कर की दर होगी, एक ही कंप्यूटर की प्रणाली जिसको सॉफ्टवेयर कहें उसके तहत जो डीलर हैं वह अपने पूरी कर की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर पाएंगे। तो बेहद सरल और सहज ये प्रक्रिया होगी और आपस में राज्यों में किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जिसके कारण से ट्रेड डाइवर्शन नहीं होगा, टैक्स का इवेजन नहीं हो पाएगा, टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी और पूरे देश में चूंकि एक प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी तो व्यापारियों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने में बहुत सुविधा रहेगी। जो हमारे उद्योग लगाने वाले उद्यमी हैं उनके लिए बहुत सुविधा होगी। जब उद्योग लगाते हैं तो उनको विचार करना पड़ता था किस राज्य में टैक्स की दर कम है या किस में कितनी है, उसका विचार करके और अपना माल जब बेचते थे अलग अलग राज्यों में तो वहाँ पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा करके उस माल को अलग अलग दर से वहाँ बेचते थे। तो उद्यमियों के लिए भी बहुत ही ये सहज और ये सरल प्रक्रिया होगी कि एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरे देश में एक कर की दर होने के कारण से वो सीमलेस, जिसको बाजार कहते हैं, कि किसी प्रकार का भी कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो ऐसी एक कर व्यवस्था देश में लागू होने वाली है जिसके कारण से उद्यमियों का आत्मविश्वास भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा और हर उद्यमी और ज़्यादा निवेश अपने व्यापार और उद्योग में कर पाएगा और इससे विदेशी निवेश भी बहुत बड़े स्तर पर हिंदुस्तान में आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं ये जीएसटी जब लागू होगा तो आम उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो साधारण आदमी को जो उपभोग करने की जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके ऊपर लगने वाला जो कुल कर का भार है वह अनुमानतः वह कुछ कम होगा। तो ऐसे में जीएसटी एक ऐसा कानून है जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबके लिए इसमें फायदा ही फायदा है। आम उपभोक्ता के लिए जीएसटी को कैलकुलेट करना कि पूरे देश भर में एक ही टैक्स की रेट होगी, ये बहुत ही आसान होगा। और सरकार के लिए भी, क्योंकि एक ही कंप्यूटर प्लेटफॉर्म से सारा टैक्स कलेक्शन सेंट्रल और स्टेट्स का हो पाएगा और टैक्स इवेजन रुकेगा, तो ये सरकार के लिए भी एक बेहतर व्यवस्था है।